नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक फटाफट 2 मिनट के अंदर आमलेट कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हूँ। इसके अंदर अपने को सिंपली कुछ नहीं है, दो अंडे की आमलेट बनेगी, सिर्फ ब्रेड आमलेट नहीं, नॉर्मल आमलेट है। इसके अंदर मैंने प्याज काटा है, बारीक काटे है, और ये हरी मिर्ची थोड़ी बारीक काटे, और टमाटर ये जितने बारीक काटेंगे उतना वो मिक्स हो जाएगा, अदरवाइज ये थोड़ा बाहर निकला रहता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ये काट लें। मैंने मिर्ची, लाल मिर्च और नमक और थोड़ा धनिया लिया है, वैसे धनिया ना भी लें तो कोई बात नहीं है। तो दो अंडे ले लिए हैं, ये मैंने इस जार के अंदर उसको मिक्स करेंगे, ये तवा है जिसके अंदर, और थोड़ा सा घी का यूज़ करेंगे उसको, ये घी मैंने लिया है। तो चलो बताते हैं आपको फटाफट। सबसे पहले ये अंडा लिया, ऐसे मारेंगे और इसको, एक अंडा निकाल लिया है, ऐसे ही दूसरा अंडा इसमें से लेंगे, डाल लेते हैं। ये दो अंडे इसमें डाल लिए हैं, इसके अंदर ये मिर्ची, नमक और ये इसके अंदर डाल लेते हैं, जो अपने ये मिक्सर बनाया है इसमें दो अंडे के हिसाब से आप डाल लें। ये टमाटर थोड़ा ज़्यादा है, आप कम डालें जिस हिसाब से आपको चाहिए। अब कुछ नहीं, इसको फेंटते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो अपने ये मिक्स बना लिया है इसका, और गैस को भी ऑन कर दिया है, तवा तैयार है। इसमें थोड़ा हल्का सा घी लगाएंगे, घी ले लिया था, ये पूरे में थोड़ा सा फैला देंगे इसको। ये अपने घी ले लिया और इसको ऐसे कर सकते हैं, ये नॉन स्टिक है इसलिए ये चिपक नहीं रहा इसमें, और नॉन स्टिक में कम ही लगाए तो भी ठीक है, ब्रश से भी आप कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। अब अपने ये स्लो किया और इसके मिडल में ही ये डाल देंगे, ये अपने इसमें ये अपने तैयार है, राउंड बन चुका है, और थोड़ा सा बड़ा यदि आपको करना है तो ऐसे कर सकते हैं। करने के बाद में थोड़ा सा स्लो कर दें तो उससे क्या आपकी ये, और इसका जो बीच में लिक्विड है इसको थोड़ा सा फैला दें। तो ये धीरे धीरे पकने लग गई है, और इसमें से जो ये लिक्विड आप चाहें तो थोड़ा सा इसको बाहर कर देंगे तो और भी जल्दी बन जाएगी, बट मैं चाहता हूँ ये यहीं पे पके इसलिए मैं इसको हिला नहीं रहा हूँ। आप इसको उठा के आप देख सकते हैं इसमें से, ये देखिए नीचे से पकने लग गई है, थोड़ा और धीरे धीरे पक जाए, स्लो रखें। घी डालने का फायदा ये है, देखिए आराम से पूरी की पूरी पक जाती है, कहीं भी ये चिपक नहीं रही है। अब पलट दें, आमलेट अपनी लगभग तैयार है, आधा मिनट और इसमें स्लो आंच पे इसको रखिए, ये तैयार है एकदम से। तो ये आमलेट अपनी तैयार है, इसको चाहे तो ऐसे पलटी मार सकते हैं, और एकदम तैयार हो चुकी है इसको ये। दोस्तों ये अपनी आमलेट तैयार है, अब इसको उतार लेते हैं प्लेट में। तो दोस्तों ये अपने आमलेट तैयार है, एकदम पक चुकी है, अब ब्रेड और सॉस के साथ इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, और फटाफट।